ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 19 नवंबर सन 1968। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी लाखों वर्ष सृष्टि की आयु कह देने से मनुष्यों की बुद्धि का ताला जैसे बंद हो गया है। ऐसे तो ये बहुत समझ की बात है और सहज बात है कि सृष्टि की आयु लाखों वर्ष नहीं हो सकती। आधा कल्प दुख और आधा कल्प सुख, दिन और रात आधा आधा होती है ना, तो दुख की दुनिया में दिन गिना जाता है, एक एक दिन करके गिनते हैं, उसकी तारीख बनाई जाती है, संबत बनते हैं। क्रिश्चियंस का ईसवी संबत बना, मुसलमानों का हिजरी संबत बना, हिंदुओं का शक संबत, हूण संबत, विक्रमादित्य संबत बना, सभी 2500 वर्ष के अंदर बने। तो ये है दुख की दुनिया, जहां दिन गिन करके इतिहास बनाते हैं। दुखों की दुनिया का इतिहास है, सुख की दुनिया का कोई भी इतिहास किसी के पास नहीं है। और वो सुख की दुनिया एक परमपिता परमात्मा ही बनाते हैं। वो बताते हैं कि 2500 वर्ष है सुख की दुनिया, जहां कोई भी संबत नहीं बनाया जाता, कोई देवताओं को दिन गिनने की जरूरत नहीं। तो दुख की दुनिया 2500 वर्ष है, सुख की दुनिया 2500 वर्ष, टोटल 5000 वर्ष की सृष्टि की आयु है। तो देखो मनुष्यों की बुद्धि का कैसा ताला लगा हुआ है, ऐसी मूर्खता का ताला लगा हुआ है जो इतनी सहज बात भी समझ में नहीं आती है। बाप समझाते हैं कि जास्ती कुछ पढ़ना नहीं है, एक ही बात बस है। बताते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, और कुछ पढ़ना भी नहीं है। बाप ज्ञान का सागर है और उनका ये स्कूल है। स्कूल में कोई एक सेकंड में सारी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है। परंतु देखो तुम एक सेकंड में कोई कोई भी स्वर्गवासी बना सकते हो, परंतु ज्ञान तो इतना देते हो जो सागर को स्याही बनाओ और सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। इतना ज्ञान का विस्तार है। ज्ञान को धारण करते करते कितना समय हो गया, भक्ति को आधा कल्प हुआ, और ज्ञान तो तुमको एक ही जन्म में मिलता है। जिसकी यादगार शिव जयंती भी है, शिव बाप ही आकर के ज्ञान सुनाते हैं और वो तुमको पढ़ाए रहे हैं नई दुनिया के लिए।
वो जिस्मानी स्कूलों में तो तुम कितना जन्म जन्मांतर पढ़ते आए, 5 वर्ष से लेकर के 20-25 वर्ष की आयु तक पढ़ाई पढ़ते ही रहते हैं, और पढ़ाइयां पढ़ते पढ़ते और ही नीचे गिरते रहते। वो है मनुष्यों की पढ़ाई और ये है भगवान की पढ़ाई। तो देखो, उस पढ़ाई में कमाई थोड़ी होती है और खर्चा बहुत ज्यादा होता है, तो घाटा पड़ गया ना। बाप तो एक जन्म में पढ़ाते हैं और तुम 21 जन्म बैठ खाते हो, कोई कमाई की दरकार नहीं पड़ती। तो देखो बाप कितना साल्वेंट बनाए देते हैं, फिर तुम माया की चक्करी में आने से कितने इंसॉल्वेंट बन जाते हो। अभी भारत का देखो क्या हाल है, फलक से तुम बच्चों को समझाना चाहिए, और उसमें भी खास माताओं को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि तुम माताओं का ही गायन है, वंदे मातरम। धरती को कोई वंदे मातरम नहीं कहा जाता है, जड़ धरती की वंदना थोड़ी की जाती है, वंदना तो मनुष्यों की जाती है, देवताओं की जाती है, भगवान की जाती है, चैतन्य की वंदना करते हैं। तो जो बच्चे बंधन मुक्त हैं वो यही ईश्वरीय सेवा करते रहें। उसमें भी जो कल पहले बच्चे बंधन मुक्त हुए थे वैसे अभी भी होते रहते हैं, परंतु माताओं के ऊपर तो कितने अत्याचार होते हैं, अबलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, शिव शक्तियों को अबला नहीं कहा जा सकता, वो तो सबला हो जाती हैं, शक्तिशाली बन जाती हैं, क्योंकि जो जानते हैं हमको बाप मिला है तो समझते हैं बस अभी तो हम बाप की ही सर्विस करेंगे। जो कहते हैं बंधन है हम बांधे लिए, वो तो रीढ़ बकरियां हैं। गवर्नमेंट भी स्वतंत्र रहने के लिए कोई को कुछ कह नहीं सकती, गवर्नमेंट ये भी नहीं कहेगी तुम ईश्वरीय सेवा करो। तुम्हारे अंदर अपनी हिम्मत चाहिए बात करने की। 19/11/68 की वाणी का 30वां पेज, जिनमें ज्ञान है वो ही बंधन मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान को बल कहा जाता है, ज्ञान बल। जिनमें ज्ञान बल आ जाता है उनको फिर अबला कौन बना सकता है। बोलो हम रूहानी सेवा करना चाहते हैं, अभी हमको रूहानी बाप डायरेक्ट पढ़ाते हैं, कोई एक जजाग्गा हजाम होगा, दूसरा जज आवेगा, तीसरा आवेगा, उनमें कोई तो सुनेगा। छोटे छोटे जज हजाम होते हैं, जो बड़े कोर्ट होते हैं उनमें तो बड़े हजाम निकल पड़ते हैं।
आगे तो राजाओं के पास केस जाता था, आजकल कोई राजा तो है नहीं, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, प्रेसिडेंट का भी नहीं चलता है। प्रेसिडेंट की जजमेंट को फिर जज लोग काट देते हैं, डिसमिस कर देते। नानावती के केस का मिसाल है, प्रेसिडेंट ने छुट्टी दी, फिर जजों ने नया कायदा निकाल दिया, फिर से उनको जेल में डाल दिया। तो फिर से प्रजातंत्र गवर्नमेंट को क्या कहा जावे? जजमेंट ही ठीक नहीं देते हैं तो जैसे के हज्जाम हैं। अभी बाप को जिसने जाना है उनको तो हज्जाम नहीं कहा जा सकता, जिन्होंने बाप को ही नहीं जाना उनको कहेंगे हज्जाम। पुकारते भी रहते हैं, ओ गॉडफादर, हे परमपिता परमात्मा, परंतु जिनको पुकारते हैं उनको जानते ही नहीं। वो क्रिश्चियन लोग फिर कहते हैं लिबरेट करो, हमको गाइड करो। अब गाइड करेगा कौन? जानेंगे तब तो गाइड करेगा, फिर भी कहेंगे भारतवासियों से उन क्रिश्चियंस की समझ अच्छी है। तुम बच्चों में जो अच्छे अच्छे समझदार बच्चे हैं उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है, बेसमझ हैं तो सर्विस का शौक ही नहीं। समझदार तो समझते हैं कि सूर्य सेवा से बहुत लॉटरी बड़ी मिलती है। कई तो ऐसे हैं जो लॉटरी आदि की बात को समझते ही नहीं। तो बाप कहेंगे वहां जाकर के दास दासियां बनेंगे, दिल में समझते हैं अच्छा हम दासी ही सही, चलो चंडाल ही सही, स्वर्ग में तो चले जावेंगे। ऐसे ऐसे ख्याल आने लगते हैं, उनों की चलन भी ऐसी देखने में आती है। तुम तो समझते हो हमको बेहद का बाप समझाए रहे हैं, ये दादा भी समझते हैं, बाप इन द्वारा बच्चों को पढ़ाए रहे हैं। कोई तो ऐसे है जो इतना भी नहीं समझते। यहां से बाहर निकलते हैं बस सब खलास हो जाता है। कोई तो यहां बैठे भी कुछ समझते नहीं है, टीचर की कोई बात सुनते ही नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि बाहर भटकती रहती है। कितना बुद्धि धक्का खाती है। बाप कहेंगे इनका एक भी भूत निकला नहीं है, पढ़ाने वाला कौन है और पढ़ाते कितनी ऊंची पढ़ाई है, कुछ भी बुद्धि में बैठता ही नहीं। कहेंगे ये तो साहूकारों के भी दास दासी जाकर बनेंगे। अभी भी देखो इस पुरानी दुनिया में भी जो बड़े बड़े साहूकार होते हैं उन्हें के पास कितने नौकर चाकर रहते हैं। तो तुम बच्चों को सेवा पर तो एकदम उड़ना चाहिए, सेवा करेंगे तो यहां भी खुशी का मेवा मिलेगा और भविष्य में भी ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चे शांति स्थापनार्थ निमित्त बने हुए हो, सारे विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हो।
तुम प्रैक्टिकल में जानते हो कि हम ही है जो श्रीमत पर चल करके स्वर्ग स्थापन करते हैं, इसमें कोई बात की अशांति नहीं होनी चाहिए। बाबा के यहां भी बहुत अच्छे अच्छे घर देखे हुए हैं, एक एक घर में 6-7 बहुएं इकट्ठी रहती हैं, सब इतने प्यार से रहती हैं, सारे घर में बिल्कुल शांति लगी पड़ी है। बोलते थे बाबा हमारे घर में तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है, हमको घर में कोई भी प्रकार की खिटपिट नहीं है, हमारा सारा परिवार आज्ञाकारी है। तो देखो अभी भी देवी देवता सनातन धर्म लोप नहीं हुआ है, इसलिए कहते हैं प्रायः लोप हुआ है। अभी भी इतना कोई कोई परिवारों में कायदा कानून चलता है, उस समय बाबा को तो बहुत संन्यास के ख्याल आते थे, इस दुनिया से ही वैराग आता था। अभी तो जानते हैं वो था हद का वैराग और हमारा है बेहद का वैराग। ऐसा बेहद का वैराग हो जो आत्मा और आत्मा के बाप के सिवाय कुछ भी याद न रहे। बाबा को तो अभी भी सब नाम भूल जाते हैं, बच्चे पूछते हैं बाबा आप हमको याद करते हो, बाबा कहते हैं ना बिसरो ना याद रहो, हमको तो लक्ष्य मिला हुआ है, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, हमको तो सभी को भूलना ही है। अंत समय अगर कोई भी देहधारी याद आ गया तो दुर्गति हो पड़ेगी, इसलिए कहते हैं ना बिसरो ना याद रहो। हमारा तो बेहद का वैराग है ना, सभी को अंत में भूलना ही है, क्योंकि हम इस दुनिया के रहने वाले थोड़े ही हैं। अभी बाबा आया हुआ है, हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं, बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जावेंगे। तो ये बात समझाने के लिए ये बैज बहुत अच्छा है, कोई तुमसे इस बैज को मांगे, पैसे वैसे देने लगे तो तुम कहो तुम्हें समझ करके लो, इस बैज को समझने से तुमको विश्व की बादशाही मिल सकती है। इसमें पैसे ऐसे की दरकार नहीं है, सिर्फ समझने की बात है कि शिव बाबा अब इस दुनिया में प्रैक्टिकल में आकर के ब्रह्मा द्वारा डायरेक्शन देते हैं कि मुझे याद करो। मुझे याद करेंगे तो तुम यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस ज्ञान को जो गीता पाठी ब्राह्मण हैं वो अच्छी रीति समझ सकेंगे, उनमें भी जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के होंगे वो जरूर समझेंगे। कोई कोई प्रश्न पूछते हैं, देवताएं हैं
तो फिर देवताएं गिरते क्यों हैं? बोलो। अरे ये तो दुनिया का चक्र है, दुनिया ही चार अवस्थाओं से गुजरती है, दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से गुजरती है, तो देवताएं भी चार अवस्थाओं से गुजरते हैं। ये तो सृष्टि का नियम है, पहले सतो प्रधान, बीच में रजो प्रधान और लास्ट में तमो प्रधान। गिरने का कारण है पुनर्जन्म लेना। पुनर्जन्म लेवेंगे तो जरूर गिरते गिरते नीचे आवेंगे। चक्र तो फिरना ही है, तो हर एक के दिल में ये आता जरूर है कि हम चाहते हुए भी सर्विस क्यों नहीं कर सकते। अंदर में ख्यालात चलता है, जरूर मेरे में कोई खामी है। माया के भूतों ने नाक से पकड़ा हुआ है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हमको तो अभी घर जाना है, फिर घर से वापस आवेंगे तो नई दुनिया में राज्य करेंगे। सबको ये ख्याल आप थोड़े ही आवेंगे। जिन्होंने बाप को पहचाना है, बाप से पढ़ाई पढ़ी है, उनकी बुद्धि में ही ये ज्ञान बैठेगा। तुम तो मुसाफिर हो, जानते हो कि हम आत्मा दूर देश की रहने वाली हैं, दूर देश से यहां आकर के पार्ट बजाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको अमर लोक जाना है। ये तो मृत्यु लोक है, घड़ी घड़ी अकाले मौत होती रहती है। अभी ये मृत्यु लोक खलास हो जाना है, नई दुनिया बनेगी तो पुरानी दुनिया जरूर खलास होगी। इन बातों को अच्छी रीति धारण करना है, इन बातों को अंदर अंदर उगाड़ते रहो। ये भी बाप ने समझाया है कि अनेक प्रकार के कर्म भोग हैं, वो कर्म भोगों की बीमारी उथाल खावेगी, माया बहुत सतावेगी, परंतु इसमें मुझना नहीं है। नहीं तो बच्चे, थोड़ा ही कुछ होता है तो कितना हैरान हो जाते हैं। नहीं तो बीमारी धीमारी में तो मनुष्य और ही जास्ती भगवान को याद करते हैं। बंगाल में तो जब कोई बहुत बीमार होता है तो उनको गंगा में ले जाकर कहते हैं राम बोलो राम बोलो, हरी बोल कर देते हैं। देखते हैं कि अभी मरने पर है तो झट गंगा में ले जाए के हरी बोल कर देंगे। फिर उनसे पूछा जाए, जब तुमने गंगा में ले जाकर हरी बोल कर दिया तो फिर आकर के जलाने की उनको क्या दरकार पड़ी है? गंगा में ही अंदर डाल दो ना, कच्छ मच्छ का भोजन बन जावेंगे, उनको शिकार मिल जाएगा, उन प्राणियों का कल्याण हो जाएगा। पारसी लोग ऐसा करते हैं, कोई मरता है तो लाश को ले जाकर के कुएं पर रख देते हैं, समझते हैं प्राणियों का कल्याण हो जाएगा, उनकी भूख मिट जाएगी,
मरते मरते भी कल्याण कर जावेंगे। तो ऐसी कल्याण की भावना होनी चाहिए। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग, एक छोटा सा रात्रि क्लास है, उन्नीस ग्यारह 68 का। मनुष्यों की मत क्या है और ईश्वर की मत क्या है, ये कंट्रास्ट का किताब बहुत अच्छा है। ईश्वर क्या बताते हैं और मनुष्य क्या बताते हैं, बोलो। मनुष्यों ने तो गीता को खंडन किया हुआ है, गीता में भगवान का नाम ही बदल दिया। कृष्ण गीता का भगवान बनाया, कृष्ण तो जन्म मरण के चक्र में आता है। जो जन्म मरण के चक्र में आता है वो श्रीमद् भगवत गीता का भगवान कैसे हो सकता। कृष्ण को तो गुरु था, फिर गुरु भगवान हुआ या कृष्ण भगवान हुआ? भगवान का भी कोई गुरु होता है क्या? यूं तो ड्रामा में बच्चों के लिए समझाना बहुत सहज है। जैसे सरदार लोग कहते हैं हमको ब्रह्मा और कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। अब तुम बच्चे तो जानते हो कि मूल रूप में तो यही है, क्योंकि नारायण को ही कृष्ण कहेंगे। त्रिमूर्ति में भी यही है, और शंकर को तो बाबा उड़ाए देते हैं। क्या मतलब? त्रिमूर्ति में शंकर को उड़ाई दिया है क्या? कि शंकर भी रखा हुआ है? रखा हुआ तो है, लेकिन भक्ति मार्ग के चित्रों में भी उसे भगवान की याद में उड़ा देते हैं। तो बाप भी कहते हैं कि जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उसको तो जरूर ऊंची स्टेज में उड़ाऊंगा। इसलिए कहते हैं कि शंकर को उड़ाई दिया है। ये साक्षात्कार की भी डामा में नूद है। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा के पास जाने से सहज राजयोग की शिक्षा मिलेगी। उनके कहने मात्र से कई तो झट आ जाते हैं, कई फिर गुटखा खाने लग पड़ते हैं। इसका कारण क्या हुआ कि कई कहने मात्र से आ जाते हैं और कईयों को बहुत सारे प्रश्न उठ खड़े होते हैं। कहेंगे पूर्व जन्म के हिसाब किताब है। त्रिमूर्ति का चित्र तो सभी लिटरेचर में है। जब ब्रह्मा कुमारियां मशहूर हो जाएंगी तो जरूर ब्रह्मा के पास ही आवेंगे। अब ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो कैसे ब्रह्मा के पास आवेंगे? हाँ, वो दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा का तो गायन ही नहीं है शास्त्रों में। मूर्तियां ही नहीं बनती हैं, मंदिर ही नहीं बनते हैं। हाँ, वही ब्रह्मा जिसने शरीर छोड़ दिया वो कोई माता के तन में जब प्रवेश करता है
तो जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा के पास आवेंगे, समझेंगे कि उनके पास चलता है राजयोग। बहुतों को आगे चलकर के ये मदद मिलेगी। ये ड्रामा में नूंद है, इसमें कोई भी मुझने की बात नहीं है। आगे चलकर नाम वाला तो होना ही है, उसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा तो बहुत मशहूर है। ब्रह्मा तो अनेकों के नाम हैं, परंतु प्रजापिता ब्रह्मा तो एक ही है, तो बहुत तुम्हारे पास आवेंगे। तुम जानते हो कि बहुतों को आगे चल करके देवी देवता घराने में जाना है, कृष्ण का बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ करेंगे, मदद तो हर प्रकार की मिलती ही रहती है, क्योंकि आगे चल करके हर एक बात सहज करके समझानी दी जाएगी। समझेंगे शिव बाबा है, और शिव बाबा आते ही भारत में है। भारत ही स्वर्ग था, त्रेता को भी आधा स्वर्ग कहेंगे। आगे चल करके बहुतों को निश्चय होता जाएगा। तुम्हारी संस्था वृद्धि को पाती जाएगी। आगे चल करके ऐसा समय आवेगा जो सन्यासी भी तुम्हारे सामने झुकेंगे, क्योंकि उनको भी मुक्ति देने वाला तो बाप ही है, और तुम हो बाप के बच्चे, तो तुम्हारे पास आवेंगे, उनको भी रास्ता मिल जाएगा। खुदाई खिदमतगार तो तुम ही हो ना, तुम स्थापना करने में भी मदद करते हो। तुम्हारे द्वारा जो स्थापना हुई है वो स्थापना ही गाई जाती है। इसलिए जो बड़ा दिन आदि मनाते हैं वो भी समय के लिए मनाया जाता है। किस सेंस में बड़ा दिन मनाते हैं ना, ये दशहरा हुआ, दीपमाला हुई, होली, रखड़ी बंधन, ये सभी समय की बातें हैं। इस समय के गायन, पूजन, यादगार, त्योहार भक्ति मार्ग में चलते रहते हैं। ये भी जानते हो सतयुग में तो कोई भी प्रकार का उत्सव आदि नहीं होता, वहां कोई भी प्रकार का साधमाना नहीं होता है। स्वर्ग तो स्वयं ही बड़े से बड़ा उत्सव है, वहां तो तुम रोज ही उत्सव मनाते हो। यहां उत्सव मनाते हैं एक दिन के लिए, तो भक्त देखो कितने खुश होते हैं। वहां तो अलग से खुशी मनाने की बात ही नहीं होती, खुशियां ही खुशियां सारे जीवन में। जैसे यहां तुम बच्चों को रोज खुशी है, यहां रंज है इस दुनिया में, तो थोड़े समय के लिए खुशी मना लेते हैं। वहां तो तुम एवर हैप्पी रहते हो। आगे तुम जितना भी बढ़ेंगे ये सब देखते रहेंगे। सिर्फ पूरा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अभी टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है।
टू मच पैसा इकट्ठा करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि बच्चों का ध्यान इस तरफ रहता ही नहीं है। पेट में तो दो रोटी ही जावेंगी, बाकी तो साफ पड़ा रह जावेगा। बाप बोलते भी हैं, क्या हाल होगा, किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी ले जाएंगे चोटा, किनकी आग जलाए। सफल तो उनकी होगी जो खर्चे नाम धनी के, जो अबलाए हैं, गरीब हैं, वो दो मुट्ठी देते हैं तो उनका 21 जन्म के लिए बन जाता है। उन लड़ाइयों आदि में कितना पदमा पदम खर्च करते हैं। अभी तुम बच्चे तो कोई लड़ाई टंटा आदि नहीं करते, तुम्हारी तो माया से लड़ाई है, फिर भी देखो तुम बच्चे पद्मा पद्म पति बनते हो। वो दुनिया वाले तो गंवाते हैं, तुम अभी बिगर खर्चे के पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हो। इसलिए भगवान गरीब निवाज गाया हुआ है, कितना साधारण रीत बैठ पड़ते हो। तुम बच्चे तो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हो, जिनकी बुद्धि में नहीं बैठता वो धंधे आदि में समय गंवाते रहते हैं। अब बाप ऐसे थोड़े ही चाहेंगे, बाप तो कहते हैं मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते, कोई चिंतन की बात नहीं। ये ड्रामा में नूद है, कलप पहले भी दिया है और इसी अनुसार पद पाया है। जो आप समान बनाते हैं उनको ऊंच पद भी मिलता है। बाप आते ही हैं दुनिया को चेंज होने के लिए। बेहद का बाप का बनने से बुद्धि का ताला खुल जाएगा, तो तन से मन से धन से समय संपर्क और संबंधियों से एक बाप का बनना चाहिए ना। यहां बैठे हो तो भी सारा झाड़ बुद्धि में आना चाहिए, चक्र सारा बुद्धि में घूमना चाहिए। तो सोचो हमारा चक्र फिरता रहता है ना, ये टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। नहीं तो गफलत करने से नापास हो पड़ेंगे। ये तो बाप जानते हैं कि गरीबों को ही ऊंची तकदीर बननी है, ये बहुत ऊंची लॉटरी है, कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाएगा, नहीं तो कल्प कल्पांतर का वर्षा पाना चाहिए। तुम बच्चों ने तो कल्प पहले भी लिया था और गरीबों को बहुत फुर्सत भी रहती है। साहूकार लोग तो कहेंगे हमें तो फुर्सत ही नहीं है, बहुत तो कह देते हैं हमें मरने की भी फुर्सत नहीं, पैसे ही कमाने में मस्त बने रहते हैं। बाप कहते हैं ये काम बड़ा दुश्मन है, ये कामनाओं की पूर्ति के लिए कितना अड़े रहते हैं। बहुतों की रिपोर्ट इनके पास आती है, भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है। इस बात पर ही शुरू से लेकर झगड़ा चला आया है। बाप सिर्फ कहते भगवान वाच, काम को जीतने से जगत जीत बनेंगे, ये बात
बहुत अच्छी रीत से गहराई से समझानी चाहिए। कोई तो अच्छी रीत समझ लेते हैं, कोई ऐसे भी आते हैं कि बहुत जिद्दी होते हैं। अब तुम बच्चों को तो ये निश्चय है कि हमारी विजय अवश्य है, श्रीमत पर श्रेष्ठ बन करके जरूर हम अपनी सत्व की राजधानी स्थापन कर लेंगे। इस समय मनुष्य तो जो कुछ बोलते हैं वो पत्थर ही पत्थर फेंकते हैं, और तुम्हारे मुख से तो रतन ही रतन निकलने चाहिए। तुम जानते हो एक एक रतन लाखों की वैल्यू का है, शास्त्रों के लिए ऐसे थोड़े ही कहेंगे। अभी तुम महसूस भी करते हो, सन्यासी तो कह देते हैं सुख का के स्वर्ग के सुख कागविष्ठा समान। बाप समझाते हैं ये ब्रह्म महातत्व तुम्हारा घर है, वहां ना सुख होता है ना दुख होता है, आत्मा शांत होकर रहती है। ये चित्र जो निकाले हैं ये बड़ी समझ से बैठ निकाले हैं। ये आत्माओं के लोक का चित्र है, तीन लोक का चित्र है ना। अभी देखो साइंस घमंडी कितनी कोशिश करते हैं। बाप कहते हैं अरे इस मून में रखा ही क्या है, यानी कि साइंस के ऊपर तुम्हारी साइलेंस ही विजय पावेगी। शांति के बल को ही योग बल कहा जाता है, क्योंकि योग बल से ही तुम विजय पाते हो और ज्ञान के बल से तुम राज्य करते हो। और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राज्य करते हो तो ये लिख दो, सेकंड में बेहद के बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिल रहा है। ये बातें सुन सुन करके धारण करनी है, भूलना नहीं चाहिए। बाप को भूलने से तुमने राज्य गंवाया है, फिर अभी बाप को याद करने से तुम राज्य पाई लेते हो। पहले ये बातें तुम थोड़े ही जानते थे, अभी तो तुम समझते हो कि हम बहुत मीठे बनने वाले हैं। मीठे बनेंगे तब तो सुख सभी आकर के तुम्हारे सामने झुकेंगे। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, शास्त्रों में भी इनकी कोई गिलानी नहीं है, सभी जाकर के इनके सामने झुकते हैं। सन्यासी भी झुकते हैं इन देवताओं के आगे। तो देखो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के आदि मध्यंत को जानने से तुम सब कुछ जान जावेंगे। ये बहुत बड़ी पढ़ाई है और बहुत प्यार से रॉयल्टी से समझाना होता है, जो समझने वालों को भी कशिश होने लग पड़े। बाप अविनाशी है, अविनाशी बाप जरूर अविनाशी आत्मा को ही देखेंगे। देह के नाम रूप को थोड़े ही देखेंगे, विनाशी को देख करके करेंगे भी क्या, आत्मा ही सिर्फ अविनाशी है। ये बड़ी समझ की बातें हैं, बच्चे समझते हैं। अभी ये सारा झाड़ जर्जर युक्त अवस्था को पाया हुआ है, पुराना झाड़ खलास होता है फिर नया जरूर बनना है। पुराना झाड़ खलास हो जाता है
बीज थोड़ा ही खलास हो जाता है, बीज से फिर झाड़ तैयार होता है। तो ये भी नया झाड़ बनना है। अच्छा, मीठे मीठे से कील दे रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट, ओम शांति।